जय हिंद। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और करंट अफेयर में आगे हम देखते हैं अगले पॉइंट। उससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बेल आइकन को दबा लें ताकि सारे वीडियो आप तक हमारे पहुंचते रहेंगे। और वीडियो लाइक अवश्य करें, लाइक नहीं करते आप लोग। चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट। और इसकी ना डायरी बना लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठिए, करंट अफेयर के आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें काम देगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे अजीत डोभाल। इनका कार्यकाल बढ़ाया जा गया है। निदेशक केंद्रीय जाँच ब्यूरो अर्थात CBI का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त CIC ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। उसके बाद IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके हैं अरविंद कुमार। अगला देखिए, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस बिग अर्थात रॉ, रियल एंड एनालिसिस बिग, इसके अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। निदेशक प्रदर्शन निदेशालय ED, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF, इसके अध्यक्ष हैं सील वर्धन सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, इसके अध्यक्ष हैं MA गणपति। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, नेशनल कैडेट कोर गुरबी पाल सिंह। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अध्यक्ष नीति आयोग के जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं वही होंगे। इस समय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, सुमन बैरी। उसके बाद CEO, नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। आगे देखिए, अगला भी इम्पोर्टेंट है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा। कौन है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की? रेखा शर्मा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। आगे देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष हैं भगवान लाल सहनी। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। इसके बाद 14वें के भी पता होने चाहिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए, NK सिंह। अगला है अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानून गो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक का मतलब होता है मिनोरिटी, तो अध्यक्ष CEO के CEO, रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष हैं विनय कुमार त्रिपाठी। उसके बाद देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CB सेंट्रल है ना, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ बोर्ड, तो इसके हैं माधवीपुरी बुच अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट हैं ONGC, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ऑयल एंड इंडियन नेशनल गैस कॉरपोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश के सर्राफ। अगला है ट्राई, टाटा रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं BD बाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं इस समय श्री विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष लोक लेखा समिति के हैं अधीर रंजन चौधरी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा।
ठीक है, ये पॉइंट हमने आपको करंट अफेयर के दिए हैं। इसी तरह से आगे भी और पॉइंट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लगातार वीडियो करंट अफेयर की आप तक पहुंचती रहेगी, और इनको डायरी और पेन लेके अपने नोट्स बना लीजिए ठीक से, ताकि धीरे 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 करके आपके नोट्स बनते जाएंगे। और सारी चीज़ें रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, और कुछ दिनों में हिंदी भी शुरू कर देंगे, सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पर मिल जाएंगी, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर जरूर रोपिए, बरसात का सीज़न चल रहा है। चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।